अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 8 का टॉपिक नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे 8.2 एंड इट इज थर्मोमीटर। थर्मोमीटर बेसिकली क्या है? एक डिवाइस है दैट कैन मेजर द टेम्परेचर। ठीक है, थर्म कहाँ से निकले? हीट से। ठीक है, जैसे ही हीट बढ़ रही है इट मीन्स उस बॉडी के अंदर टेम्परेचर राइज करता जा रहा है। ठीक है, जैसे जैसे हीट ट्रांसफर होगी बॉडी के अंदर तो उस बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सो जितना टेम्परेचर इंक्रीज किया है उसको जिस डिवाइस से मेजर करते हैं, मीटर मीन द डिवाइस दैट कैन मेजर। ठीक है, सो वो डिवाइस जो मेजर कर सकता है बढ़ते हुए टेम्परेचर को दैट इज कॉल्ड द थर्मोमीटर। सो डिफरेंट हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं जो थर्मोमीटर में यूज होते हैं। बेसिकली थर्मोमीटर जो है वो एक डिवाइस तो है लेकिन उसके अंदर कोई ना कोई ऐसा मटेरियल यूज हो रहा है जो हमें हेल्प आउट कर रहा है कि उससे पता चल सके कि टेम्परेचर कितना राइज हुआ है, कितना फॉल किया है। ठीक है, सो हर थर्मोमीटर में एक सब्सटेंस जरूर होता है। ठीक है, वो सब्सटेंस जो के हीट करने पे एक्सपेंड कर सके। ठीक है, तो मोस्टली सब्सटेंसेस की ये एबिलिटी होती है, सब्सटेंसेस की एबिलिटी है कि जैसे ही उन्हें हाई टेम्परेचर मिलता है, टेम्परेचर जैसे ही हम हाई करते हैं तो उन वो एक्सपेंड कर जाती हैं। ठीक है, तो एक्सपेंड करने का मतलब है वो फैल जाती हैं। ठीक है, लेट सपोज अगर एक के पहले मेजरमेंट इतनी थी, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ तक ली है, इसको जैसे ही हम लोगों ने हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया ये एक्सपेंड कर गई। ठीक है, एक्सपेंड का मतलब क्या है? ये फैल गई। कॉन्ट्रैक्ट कब करती है? जब सम केसेस में ऐसा होता है कि जब हम लोगों ने उसको बहुत ज्यादा कूल एनवायरनमेंट में रखा हुआ है तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए। ठीक है, लेकिन मोस्टली सब्सटेंसेस का क्या होता है कि जैसे ही उन्हें हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है वो एक्सपेंड कर जाती है। सो हमारे पास थर्मोमीटर में बेसिकली होना ही ऐसा सब्सटेंस चाहिए कि जैसे ही हम उसको हाई टेम्परेचर प्रोवाइड करें तो वो एक्सपेंड कर जाए। अब वो सब्सटेंसेस हमारे पास लिक्विड की फॉर्म में भी मौजूद है। ठीक है, लिक्विड की फॉर्म में भी मौजूद है एंड वो वाले लिक्विड्स भी, उनकी भी यही प्रॉपर्टी है कि जैसे ही उन्हें हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है वो फौरन एक्सपेंड कर जाते हैं। और जब तक कोई चीज एक्सपेंड नहीं करेगी आपको पता नहीं चल सकता कि इस बॉडी का इतना टेम्परेचर है। लेट सपोज अगर हम लोग जो मटेरियल यूज कर रहे हैं उसकी लेंथ पहले इतनी थी, इतनी लेंथ थी। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको टेम्परेचर बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, फिर भी क्या हुआ अगर वो एक्सपेंड नहीं करेगा तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने कितना टेम्परेचर प्रोवाइड किया या बॉडी का इस टाइम पे कितना टेम्परेचर है। सो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है कि जो भी हम मटेरियल थर्मोमीटर के अंदर यूज करें दैट मस्ट एक्सपेंड। ठीक है, जैसे उसको हम लोग हाई टेम्परेचर पे लेके जाए तो वो एक्सपेंड करना शुरू हो जाए एंड उसके एक्सपेंड करने से ही हमें पता चलेगा कि इस टाइम पे टेम्परेचर इतना है, इस टाइम पे इतना है। सो ये जो हम लोग सब्सटेंसेस और लिक्विड की बात कर रहे हैं इसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होनी चाहिए जिनको थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि थर्मोमीटर में हम यूज कर रहे हैं तो उनको कह रहे हैं थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। अब जो लिक्विड यूज कर रहे हैं दैट इज थर्मोमेट्रिक लिक्विड एंड थर्मोमेट्रिक लिक्विड जो है हमारे पास उसकी कुछ ना कुछ खसूसियात होनी चाहिए, कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो उस थर्मोमीटर के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट हो। लाइक अगर हम लोग थर्मोमीटर आम घर वाला ही ले लें जो मोस्टली कॉमनली यूज होता है वो इस तरह से बना होता है। ठीक है, एंड उसके आगे यूं बल्ब सा लगा होता है। अब इस थर्मोमीटर में बेसिकली है क्या? ये तो सिर्फ एक ग्लास ट्यूब है। जब तक इसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल फिल नहीं किया होगा जिसके एक्सपेंड करने से या जिसके कॉन्ट्रैक्ट करने से हमें टेम्परेचर का पता चले तब तक ये बिल्कुल एक हमारे लिए वेस्ट है। ठीक है, ये एक यूजलेस चीज है अगर ये खाली एक हमारे पास ग्लास ट्यूब हो। सो इस ग्लास ट्यूब के अंदर कोई ना कोई मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसकी पोजीशन चेंज होने की वजह से ही पता चले कि इस टाइम पे बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, राइज कर गया या फॉल कर गया। सो वो जो सब्सटेंस है या वो लिक्विड जो है उसको हम थर्मोमेट्रिक लिक्विड कह रहे हैं एंड उसकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज जरूर होनी चाहिए। अब उनके प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? नंबर वन इज दे शुड बी विजिबल, दे शुड बी विजिबल।
इसका क्या मतलब है कि वो हमें नजर जरूर आना चाहिए, ऐसा ना हो कि जो सब्सटेंस हम यूज कर रहे हैं, लेट सपोज हम कह रहे हैं वाटर को हम लेते हैं और वो चीज हमने उसको टेम्परेचर प्रोवाइड किया, वो एक्सपेंड कर गया। अब वो अगर एक्सपेंड भी किया है तो एक जो ट्रांसपेरेंट चीज है वो हमें किस तरह से नजर आ सकती है, या चले वाटर तो फिर नजर आते हैं, हम एयर की बात कर लें, एयर में भी क्या है, एयर के अंदर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है, या कोई भी हम गैसेस ले लें उसमें क्या है, मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। हम इसको हाई टेम्परेचर पे ले जाएं, इसको बहुत ज्यादा टेम्परेचर इसका राइज कर दें, बहुत ज्यादा इसको एनर्जी प्रोवाइड करें, जैसी एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर लें उनका टेम्परेचर राइज कर जाए। अब होगा क्या कि वो गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी या तो कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देंगे, बल्कि अगर हम हाई टेम्परेचर पर लेके जा रहे हैं तो वो एक्सपैंड करेंगे, उनके अंदर इतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी कि वो दूर दूर चले जाएंगे। वो भी हमें टेम्परेचर बता सकते थे, लेकिन हम क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि वो विजिबल ही नहीं है, ठीक है। हम किसी भी गैस को यूज नहीं कर सकते थर्मोमीटर्स में, क्योंकि वो हमें जब नजर ही नहीं आएगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि इधर से लेके इधर तक जो है हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, इस टाइम पे बॉडी का इतना टेम्परेचर है, तो वो हमें बिल्कुल भी नहीं बता सकती, मेंशन ही नहीं कर सकते कि जो चीज हमें नजर ही नहीं आ रही वो बता भी नहीं सकती कि इस टाइम पे कितना टेम्परेचर होगा। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि वो विजिबल जरूर होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि दे शुड हैव यूनिफॉर्म, दे शुड हैव यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन। अब इसका क्या मतलब है, जो एक्सपेंशन हो रही है थर्मल एक्सपेंशन, मतलब हम लोग उसको हाई टेम्परेचर पे लेके जा रहे हैं, उसकी वजह से उसका जो एक्सपेंशन हो रही है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि हम लोग जब थर्मोमीटर को घरों में भी यूज करते हैं, यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं, जो हम घरों में थर्मोमीटर यूज कर रहे हैं, अब उसमें भी क्या होता है कि उसका एक टाइम लिमिट दी जाती है, ठीक है। कुछ डॉक्टर्स जो होते हैं वो उसको कहते हैं कि 2 मिनट्स के लिए आप जरूर आर्मपिट में या अपने माउथ में रखें, ताकि टेम्परेचर जो है वो सही मालूम किया जा सके कि इस टाइम कितना बॉडी का टेम्परेचर है। तो वो क्या होगा, अगर देखें हम लोगों ने जैसे ही थर्मोमीटर माउथ में भी अपने रखा है, तो ये मर्करी जो या जो भी मटेरियल इसके अंदर फिल किया गया है उसने क्या करना शुरू कर दिया, एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। अगर तो बॉडी में टेम्परेचर ज्यादा हाई है या हमें फीवर वगैरह है, तो वो ऑब्वियसली जो है हाई टेम्परेचर की वजह से एक्सपैंड करना शुरू कर देंगे मटेरियल जो भी। अब उसके एक्सपेंशन से क्या होगा कि अगर हम लोगों ने ग्रेजुअली उसको देखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी हम लोग लगाते ही गए हैं तो वो बिल्कुल इस तरह से आके हमें शो करने लग गए, नहीं, बल्कि इतना अगर टाइम लिमिट दिया जाता है इसका मतलब है कि वो यूनिफॉर्मली इंक्रीज करी कि हर एक सेकंड के बाद इतना इंक्रीज उसमें आता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे ही लगाया फौरन से इंक्रीज कर गया, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म इंक्रीज उसमें आना चाहिए। कि अगर यहाँ पे हमारे पास 1 डिवीजन है तो ये 1 मीटर ही इंक्रीज करे, फिर आगे 2 डिवीजन आ गई तो 1 मीटर और इंक्रीज कर जाए। इसका मतलब है यूनिफॉर्म होनी चाहिए हर चीज, एक के लिए एक ही आना चाहिए, 1-to-1 क्रोस्पॉन्डेंस जिसको हम कहते हैं, कि बिल्कुल यूनिफॉर्म इंक्रीज होना चाहिए। एक चीज बढ़ी है दूसरी चीज भी उसी क्वांटिटी के साथ बढ़े, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी हम लोग यूज करते गए हैं एंड वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर गई है, ठीक है। सो हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी फॉर द थर्मोमेट्रिक लिक्विड ये थी कि वो थर्मल एक्सपेंशन यूनिफॉर्मली करे, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग इज they should have low freezing point। अब low freezing point का क्या मतलब है, freezing point क्या होता है, जहां पे कोई चीज जमना शुरू हो जाती है, ठीक है, फ्रीज होना शुरू हो जाती है। अब low freezing point क्या मतलब है कि उसका बहुत कम low freezing point होना चाहिए जिसपे वो जाके अपने आप को फ्रीज करना शुरू कर दे। लेट सपोज अगर हमारे पास 0 है और 0 के बाद -1, -2, -3, सो इन वैल्यूज में से देखें 0 के बाद जो हम जा रहे हैं वो हम किस तरफ जा रहे हैं, कि जो नेगेटिव में टेम्परेचर आता है, इट मीन्स के इतना एनवायरनमेंट कूल्ड हो चुका है या इतनी सर्दी हो चुकी है कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा फॉल कर गया, इवन माइनस में चला गया, ठीक है। सो -1 जो है वो एज कम्पेयर टू -3 ज्यादा बड़ा है, ठीक है। -3 क्या है, एक छोटी वैल्यू है।
इसी तरह से हम जो भी लिक्विड यूज कर रहे हैं उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए। कम होने का क्या मतलब है कि वो -1 तक नहीं होना चाहिए कि जैसे ही हम लोगों ने उसको जीरो से वो आगे मूव किया साथ ही फ्रीज हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उसकी बहुत माइन्यूट क्वांटिटी होनी चाहिए। इवन यहाँ पे तो हम लोग जो मोस्टली यूज करते हैं लिक्विड उसकी -39, इट मीन्स कि वो इतना यहाँ से एक्सपेंड करने की एबिलिटी रखता है, ठीक है, इतना पीछे की तरफ जाएगा ये हमारे पास जो भी मटेरियल है। इस फनल के अंदर हम लोगों ने कोई भी मटेरियल भरा हुआ है तो उसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो यहाँ तक भी जो है वो आए तो फ्रीज ना हो सके, ताकि हम एक एक्यूरेट मेजरमेंट ले सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ही रखा -1 या -2 पे गया तो साथ ही वो जो है हमारा लिक्विड जो था वो फ्रीज कर गया और अब हमारे पास रीडिंग ही नहीं आ सकती, क्योंकि हम लोगों ने समटाइम ऐसी चीजें भी देखनी होती है जो बहुत कूल्ड होती हैं, ठीक है। सो उनको देखने के लिए, उनके टेम्परेचर को मेजर करने के लिए अगर हम ऐसा मटेरियल यूज कर रहे हैं जिसने सिर्फ -3 -4 पे जाते साथ ही फ्रीज हो गया, तो हम कोई भी एक्यूरेटली मेजरमेंट नहीं ले सकते। इसलिए जो भी हम मटेरियल यूज करें उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए, इवन वो -40-50 तक जाए जरूर। सो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। नंबर फोर पॉइंट इज कि दे शुड हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 से अबव होते हैं, ठीक है। हमें पता था कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है जो भी चीज फ्रीज करना शुरू करती है वो 0 डिग्री के बाद करना शुरू करती है। 0 डिग्री से पीछे जब हम जाना शुरू कर देंगे तो चीजें फ्रीज होना शुरू कर देंगी, उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा फॉल कर जाएगा। लेकिन हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 के बाद जो भी चीज है वो स्टीम बनना शुरू हो जाएगी या बॉइल करना शुरू हो जाएगी। ये है फॉर वॉटर, ये स्पेसिफिक जो टेम्परेचर है दैट इज फॉर वॉटर। ये जरूरी नहीं है कि हर सब्सटेंस का इतना हो, क्योंकि हम लोग स्टडी ये करें कि जो हम थर्मोमेट्रिक लिक्विड ले रहे हैं उनकी ये चीजें नहीं होनी चाहिए कि जीरो पे जाते साथ ही फ्रीज हो गया या 100 पे जाते साथ ही वो बॉइल कर गया और वो जो है बिल्कुल इवेपोरेट हो गया, खत्म हो गया। हम बात ये कर रहे हैं कि ऐसा थर्मोमेट्रिक लिक्विड होना चाहिए जिसका इतना कम लो फ्रीजिंग पॉइंट हो कि इवन -30 -40 तक जाके वो फ्रीज करे, एंड इसी तरह इतना हाई बॉइलिंग पॉइंट हो कि वो 300 या 400 के बाद जाके जो है अपनी स्टेट चेंज करना शुरू करे या अपने आप को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर ले या स्टीम के फॉर्म में चला जाए। सो हम लोग यहाँ से जो अभी सिर्फ एग्जाम्पलरी के तौर पे ले रहे हैं दैट इज वॉटर, कि 0 डिग्री से बैक साइड पे जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है एंड 100 से अबव जो है वो बॉइलिंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। अब हमने कहा है कि जो भी हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए उस सब्सटेंस का या उस लिक्विड का जो हम थर्मोमीटर में यूज करना चाह रहे हैं वो बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए, अप टू 300, ठीक है, 300 या उससे अबव जो है हमारे पास जरूर होना चाहिए, 400-500, कि वो सब्सटेंस ऐसा ना हो कि जैसे ही हम लोगों ने उसको किसी चीज में डिप की है टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए तो वो फॉरन मेल्ट हो जाए, ठीक है, जो सब्सटेंस हम लोगों ने यूज किया है वो मेल्ट हो जाए या वो इवेपोरेट कर जाए या वो स्टीम के फॉर्म में आ जाए। लेट सपोज अगर हम लोग देखें तो इवन हमारी बॉडी का ही टेम्परेचर समटाइम जब फीवर होता है तो वो 100 से अबव ही होता है, लाइक 101, 102, 104, 106 तक भी, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसा थर्मोमेट्रिक लिक्विड यूज कर रहे हैं जो सिर्फ 100 पे आते साथ ही बॉइलिंग पॉइंट पे चला गया एंड जैसे वो बॉइल हुआ वो तो इवेपोरेट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगी चीज। जिस तरह हम पानी को भी देख लें, अगर एक बीकर में रखते हैं उसको जब हीट प्रोवाइड करते हैं जैसे ही उस वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री पे पहुंचता है तो बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है, बबल्स बनने लग जाते हैं एंड उसके बाद पानी जो है वो स्टीम के फॉर्म में ऊपर की तरफ उड़ना शुरू कर देता है। तो अगर हम लोगों ने थर्मामीटर में ही ऐसा यूज कर लिया सब्सटेंस जो 100 पे जाते साथ ही वेपोरेट हो गया तो हमें कभी भी टेम्परेचर का पता ही नहीं चल सकेगा कि बॉडी का इस टाइम टेम्परेचर कितना है या इस टाइम फीवर कितना है। सो जो भी हम सब्सटेंस यूज करें, जो भी लिक्विड यूज करें, उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए। ये था हमारा नंबर फोर पॉइंट। सो नंबर फिफ्थ पॉइंट इज इट शुडंट बी वेट ग्लास।
अब ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारे पास जिस तरह ट्रांसपेरेंट की हमने बात की, विजिबल है, ठीक है, जो चीज विजिबल होगी वही हमें नजर आएगी, ठीक है. अब अगर हम लोग ऐसा ले रहे हैं कि जो मटेरियल लिया वो इतना लिक्विडी है कि वो बिल्कुल ही हमें वेट फॉर्म में नजर आ रहा है, कि शीशा जो है ये ग्लास के अंदर ट्यूब्स जो बनी हुई है एंड इसके अंदर जो मटेरियल फिल है उसके साथ जब ये लिक्विड इस तरह इतना वेट होगा, ग्रीसी सा होगा, तो वो हमें कभी भी सही लेवल नहीं बताएगा. लाइक अगर आप वाटर को ले लें तो वाटर क्या करता है, आप उसको किसी भी बॉटल में लें इस तरह से, ठीक है, हम लोग बॉटल में ले रहे हैं, यहाँ पे हमने वाटर फिल किया हुआ, ठीक है, पहले ये साइड ऊपर थी, इसको ए कह लें, इसको बी कह लें. अब जैसे ही आप इसको उल्टा दें, किस तरह करें, आप बी साइड को ऊपर ले जाए एंड ए साइड को नीचे लें, तो क्या होगा, वो वाटर सारा का सारा दूसरी शेप में आ जाएगा. पहले इस तरह था तो अब जब आया तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ड्रॉपलेट्स भी हमें फील हो रहे हैं, ठीक है. तो उसने क्या कर दिया, ग्लास को वेट कर दिया, जैसे हमने उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट की. लेट सपोज पानी इतना था पहले, यहां तक है वाटर, अब भी जो वाटर आएगा जब हमने उसकी उल्टा दिया, उसकी एक साइड जो पहले ऊपर थी उसको नीचे कर दिया, तो वाटर यहां तक आएगा लेकिन इस सरफेस पे जो बाकी बच गई है वहां क्या हो जाएगा, वेट वेट ऐसी हमें फील होगी, इवन ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में भी पानी वहां पे प्रेजेंट रहेगा. तो अगर ऐसा मटेरियल हम यूज करें जो हमें जो है ये इस फनल को जो थर्मामीटर के अंदर यूज करें वो बिल्कुल वेट सरफेस हमें नजर आ रही होगी, तो हम उस सूरत में भी कभी भी टेम्परेचर को सही फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा होगा कि हम लोगों ने रीडिंग लेनी कहाँ से. हमारा पॉइंट ये है, यहाँ से हम रीडिंग लें कि इसे ऊपर लें, क्योंकि उधर भी ड्रॉपलेट मौजूद है. तो हमने ऐसा सब्सटेंस भी बिल्कुल यूज नहीं करना जो एक हमें वेट ग्लास की फॉर्म में नजर आ रहा हो, ना ही ऐसा करना है जो बिल्कुल ही विजिबल ना हो, जो हम देख ही नहीं सकते. इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिक्स पॉइंट, कि इट शुड बी अ गुड कंडक्टर, अ गुड कंडक्टर फॉर हीट, फॉर हीट. यस, अब हम लोग ये सारी चीजें, ये प्रॉपर्टीज पढ़ क्यों रहे हैं, बेसिकली हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, एक ऐसा थर्मोमीटर डिजाइन करना चाह रहे हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट बॉडीज की जो है टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकें. इवन अगर हम केमिकल रिएक्शंस भी कर रहे हैं तो हमें समटाइम उसका टेम्परेचर फाइंड आउट करना होता है कि इतने टाइम पे इसका ये टेम्परेचर था, इतने के बाद इतना हो गया. तो उस सब चीजों के लिए हम जो थर्मोमीटर डिजाइन कर रहे हैं, हम बेसिकली उस चीज को स्टडी कर रहे हैं कि थर्मोमीटर में जो सब्सटेंस यूज हो रहा है सबसे पहले हम लोग उस पर डिस्कशन कर रहे हैं, एंड देन वो सब्सटेंस लेके हम बनाएंगे एक थर्मोमीटर, ठीक है. सो थर्मोमीटर को हम बाद में देखेंगे, लेकिन हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि बेसिकली सारी जो फंक्शनिंग हो रही है वो इस थर्मोमेट्रिक लिक्विड की वजह से हो रही है, जो टेम्परेचर मिलने पे एक्सपैंड कर जाते हैं या कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं. उसकी ये प्रॉपर्टीज होंगी तभी हम लोग उसको यूज कर सकते हैं थर्मोमीटर में, अदरवाइज हम उसको यूज नहीं कर सकते. सो जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो गुड कंडक्टर फॉर हीट भी होना चाहिए. गुड कंडक्टर क्या होते हैं, जो हीट के अपने अंदर से पास होने देते हैं, ठीक है. ऐसा नहीं होता कि वो बिल्कुल हीट को अपने अंदर से पास ना होने दें. लाइक अगर हम वुड देख लें, वुडन ब्लॉक में से अगर हम उसको गर्म कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि हमने यहां से उसको हीट अप किया और हमें यहाँ पे हीट फील हो, ठीक है. यहाँ पे हमें कभी भी हीट फील नहीं होगी. क्यों? क्योंकि ये वुड का जो ब्लॉक है उसने अपने अंदर से उस हीट को पास नहीं होने दिया, ये उसकी प्रॉपर्टी थी, ठीक है. ये डिफरेंट मटेरियल की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है, एंड वुड की ये प्रॉपर्टी है कि वो अपने अंदर से हीट को नहीं पास होने देती. इसीलिए अगर हम एक साइड को हीट अप कर रहे हैं हमें दूसरी साइड हीट अप फील नहीं होगी. अगर यही चीज हम स्पून के लिए करें, एक हम स्टील का स्पून ले रहे हैं, ठीक है, इस तरह से हमने उसको यहां से गर्म करना शुरू किया है, हीट प्रोवाइड की है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये पूरा का पूरा हीट अप हो जाएगा, इसका टेम्परेचर राइज कर जाएगा, ठीक है. सो ये इसकी प्रॉपर्टी थी कि इसने अपने अंदर से हीट को पास होने दिया, एंड यहां से पास हुई इसका मतलब है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में वो गई, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब कर ली, दूसरे ने तीसरे से की, तीसरे ने चौथे से की, एंड ये कंटिन्यूसली प्रोसेस चलता रहा यहां तक कि उस बॉडी के अंदर मौजूद हर मॉलिक्यूल ने हीट को एब्जॉर्ब कर लिया और उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर गया.
अब हमारे पास जो ऐसा ही एक मटेरियल होना चाहिए थर्मोमेट्रिक लिक्विड जो अपने अंदर से हीट को पास होने दे ताकि जैसे ही हीट पास हो तभी वो एक्सपेंड करेगा। अगर यहाँ पे हमारे पास वुड की तरह हो के हीट को पास नहीं होने दिया, यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स गर्म हुए एंड गर्म होने के बाद इस पे कोई असर ही नहीं हुआ, तो जब तक बाकी पोर्शन पे असर नहीं होगा एक्सपेंशन हो ही नहीं सकती, और अगर एक्सपेंशन नहीं होगी तो हम टेम्परेचर को फाइंड आउट ही नहीं कर सकते। इसलिए एक्सपेंशन होना जरूरी है, एंड एक्सपेंशन किस केस में होगी, अगर हमारे पास जो हीट हम एक पॉइंट पे दे रहे हैं वो दूसरे पॉइंट तक पास आउट हो जाएगी। इट मींस कि वो गुड कंडक्टर होना चाहिए जो अपने अंदर से हीट को पास होने दे। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इट शुड हैव वी आई पॉइंट है हमारे पास वी आई आई इट शुड हैव स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। यहां से हमें पता चलता है कि इट शुड हैव स्मॉल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, एक अमाउंट, एक हद तक हम किसी भी चीज के अंदर एनर्जी को स्टोर करवा सकते हैं या एक हद तक हम उसको हीट प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बाद क्या होता है वो फर्दर अपनी जो है स्टेट को चेंज कर लेते हैं या वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेट सपोज अगर हम लोग आइस को देखें तो आइस में भी एक हद तक हम उसको अगर हीट प्रोवाइड करेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी, ठीक है, वो मेल्ट होकर पानी में आ जाएगी जब हम लोगों ने उसको उसकी रिक्वायरमेंट से ज्यादा हीट प्रोवाइड की। इसी तरह से अगर हम लोग वाटर को इतनी हीट प्रोवाइड करें कि वो मिनिमम उसमें हीट रहे तो वो पानी ही रहेगा, लेकिन अगर हमने उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसमें हीट डाल दिया तो वो क्या बन जाएगा, स्टीम के फॉर्म में ऊपर उड़ना शुरू कर देगा। इसी तरह से स्पेसिफिक हीट भी हमारे पास यही है कि उस सब्सटेंस की हीट को एब्जॉर्ब करने की इतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो जब हीट को एब्जॉर्ब करे तो एक्सपेंड कर सके। अब हमारे पास अगर स्मॉल स्पेसिफिक हीट होगी इट मींस कि वो अपने अंदर ज्यादा हीट को स्टोर नहीं कर सकता, और यही होना चाहिए एक थर्मोमेट्रिक लिक्विड में कि अगर वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब कर ले तो वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करने की वजह से ज्यादा एक्सपेंड करेगा, एंड अगर वो ज्यादा एक्सपेंड करेगा तो वो थर्मोमीटर को ही ब्रेक कर देगा। यानी अगर हमारे पास स्केलिंग हुई हुई है 106 तक की और उसके आगे ये जो है हमारी ग्लास ट्यूब बिल्कुल बंद है, लेकिन अगर हमारे पास स्पेसिफिक हीट ज्यादा है कि जैसे हम लोगों ने लेट सपोज किसी को 101 टेम्परेचर है और 101 हीट जब इसके अंदर गई और इसने इतनी हीट जब एब्जॉर्ब कर ली और इसमें ज्यादा कैपेसिटी नहीं थी, इतनी ही हीट को एब्जॉर्ब करके ये फौरन क्या करेगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, तो ये इस थर्मोमीटर को ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब है कि इसमें इतनी एबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि वो सारे के सारे हीट को एब्जॉर्ब कर ले, बल्कि कुछ हीट को एब्जॉर्ब करके एक्सपेंड करे सिर्फ। ज्यादा हीट अगर एब्जॉर्ब कर लेगा और सारी की सारी हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसको रिलीज नहीं करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगी उस थर्मोमीटर की। सो हमने उस हद तक ही उस चीज का स्पेसिफिक हीट रखनी है कि वो उस थर्मोमीटर के अंदर जब हम उसको प्लेस करें, उसको डालें, तो वो बिल्कुल भी थर्मोमीटर को डिस्ट्रॉय ना करे या कोई और हार्मफुल इफेक्ट कॉज ना करे। सो ये हमारी बेसिक 7 प्रॉपर्टीज थी जो एक थर्मोमेट्रिक लिक्विड में मस्ट होनी चाहिए जब भी हम लोग एक थर्मोमीटर को बनाना चाहते हैं। सो फर्स्ट वाज द कि वो विजिबल जरूर होनी चाहिए, सेकंड कि जब हम उसके उसको हीट प्रोवाइड करें तो उसमें यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होनी चाहिए, उसको बहुत कम जो है -40 तक जाके या -50 पे जाके फ्रीज करना चाहिए, और इसी तरह 300-400 पे जाके उसको बॉईल करना चाहिए, एंड जो वो हमें वेट सरफेस बिल्कुल फील ना हो, अगर वो इस ट्यूब के अंदर प्रेजेंट भी है उसके ग्लासी सरफेस बिल्कुल भी वेट नहीं होनी चाहिए, एंड वो बहुत अच्छा कंडक्टर होना चाहिए ताकि वो जब हीट को अपने अंदर से पास होने दे तभी हमारे पास कोई टेम्परेचर फाइंड आउट किया जा सकता है। इसी तरह से उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी बहुत कम होनी चाहिए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करे ना कर सके एंड थर्मोमीटर को बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय ना करे। तो इसके बाद हम लोग इसकी वर्किंग देखेंगे कि ये थर्मोमेट्रिक लिक्विड जो है, हमने अभी इसके प्रॉपर्टीज पढ़ ली, अब वो कौन सा थर्मोमेट्रिक लिक्विड है जिसको हम थर्मोमीटर्स में यूज करते हैं, एंड थर्मोमीटर के अंदर हमारे पास कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट हैं जिनकी बेस पे उसको कंस्ट्रक्ट या डिजाइन करवाया जा सकता है। सो हमारे पास जो थर्मोमीटर आमतौर पर यूज होता है दैट इज लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर।
liquid in glass thermometer. So यहाँ पे हमारे पास जो liquid in glass क्या मतलब है कि thermometer के अंदर जो हम लोग use कर रहे हैं that is a liquid, ठीक है, उस एक liquid को use कर रहे हैं, तो वो liquid के अंदर वो तमाम properties होनी चाहिए जो हम पहले discuss कर चुके हैं. So liquid in glass thermometer अब हम design करने लगे हैं, and इसमें हमारे पास जो जो चीजें require हैं, सबसे पहले तो है हमारे पास एक glass tube, ठीक है. एक glass tube क्या होती है, ये जो हम लोग बाहर की सरफेस देखते हैं थर्मोमीटर की, दैट इज बेसिकली अ ग्लास ट्यूब, ठीक है. एंड इस तरह से हमारे पास थर्मोमीटर होते हैं. ये पूरी की पूरी क्या है, दैट इज अ ग्लास ट्यूब, शीशे की बनी हुई होती है, ठीक है. इसके बाद हमारे पास ये जो नॉब से बाहर को निकली होती है, दैट इज बेसिकली द बल्ब, ठीक है. इसको हम कहते हैं कि ये एक बल्ब है, क्योंकि इसके इसके थ्रू ही हमारे पास जो है टेम्परेचर फाइंड आउट किया जा सकता है. इसी पे हीट प्रोवाइड की जाती है, तो हमारे पास वो हीट ट्रांसफर होती है, एंड उस मटेरियल की वजह से हमें टेम्परेचर का पता चलता है. अब इस बल्ब के साथ क्या अटैच हुई होती है, पूरी एक कैपिलरी ट्यूब. ये एक बहुत बारीक ट्यूब होती है. कैपिलरी ट्यूब आपने अक्सर देखी होगी, लेबोरेटरीज में हम यूज भी करते हैं, एंड वो शीशे की बनी होती है, इतनी बारीक सी नीडल की तरह की होती है, इतनी सी होती है, ठीक है. जैसे स्ट्रॉ होते हैं, स्ट्रॉ तो बहुत मोटे होते हैं, लेकिन ये बहुत बारीक होती है, माइन्यूट सी होती है नीडल की तरह, एंड ये ग्लास की बनी हुई होती है. इसके अंदर बेसिकली हम अपना थर्मोमेट्रिक लिक्विड फिल करते हैं. सो ये जो है हमारे पास ये कैपिलरी ट्यूब है. सो कैपिलरी ट्यूब के बाद हमारे पास जो चीज आती है, दैट इज स्टेम. बेसिकली जो हम लोग इस पूरे को कह रहे हैं, ये ग्लास ट्यूब तो है, लेकिन हम लोगों ने इसको थर्मोमीटर को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिए. हमने कहा ये फ्रंट पोर्शन जो है, पूरी की पूरी जो है वो ग्लास ट्यूब से बनी हुई है. अब उस ग्लास ट्यूब के हमने पोर्शन कर दिया कि इस पोर्शन को हमने कह दिया कि ये बल्ब है, और इस पोर्शन को कह दिया कि ये हमारे पास स्टेम है, ठीक है. स्टेम जिस तरह तना होता है किसी भी दरख्त का, ठीक है. सो स्टेम है ये हमारे पास, और ये कैपिलरी ट्यूब है. अब इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर हमें क्या चाहिए, एक थर्मो लिक्विड. वो थर्मोमेट्रिक लिक्विड की प्रॉपर्टीज वो तमाम होनी चाहिए जो हमने पहले डिस्कस की, एंड देन जो इसमें आखिरी चीज होती है, दैट इज द स्केलिंग. कि यहाँ पे इस तरह से स्केलिंग हुई होती है डिफरेंट स्केल्स में, जिसकी मदद से हमें पता चलता है कि इस टाइम पे इतना टेम्परेचर राइज कर चुका है. सो ये हमारे बेसिक कंपोनेंट हैं एक थर्मोमीटर को डिजाइन करने के लिए, कि हमारे पास पहले तो एक ग्लास ट्यूब होनी चाहिए. ग्लास ट्यूब के अंदर हमने एक कैपिलरी ट्यूब रखनी है जिसके साथ बल्ब अटैच हो. उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर क्या होगा, हमारा थर्मोमीट्रिक लिक्विड होगा, एंड देन इस स्केल की मदद से हम लोग उसके टेम्परेचर को फाइंड आउट कर सकते हैं. और बल्ब तो हम फ्रंट पोर्शन को कह रहे हैं, बाकी जो पोर्शन हमारे पास है, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द स्टेम ऑफ द थर्मोमीटर. अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हम कैपिलरी ट्यूब के अंदर ये जो बारीक सी हमने ड्रॉ की है, इसके अंदर जो हम थर्मोमेट्रिक लिक्विड यूज कर रहे हैं, वो हम कौन सा यूज करते हैं. सो दैट इज द मर्करी, जो हम लोग मोस्टली यूज करते हैं. मर्करी क्या होती है, मर्करी एक डेंसर फॉर्म में होती है, एक थिक फॉर्म में होती है. ये हमें विजिबल भी होती है, ठीक है. इसमें तमाम वो प्रॉपर्टीज लाई करती हैं जो एक थर्मोमेट्रिक लिक्विड के लिए होनी चाहिए. फर्स्ट क्या आती है हमारे पास, कि वो विजिबल होनी चाहिए. मर्करी हमें नजर आती है. आप अपने घरों में जो थर्मोमीटर्स हैं उन्हीं को उठा के देख लें, तो उसके अंदर जो आपको एक खास पॉइंट पे जो है वो नजर आ रही होती है मर्करी, ठीक है. तो वो सिल्वर से कलर की मर्करी आपको जरूर नजर आएगी, आप उसको भी देख सकते हैं, ठीक है. तो ये विजिबल भी है, ये एक गुड कंडक्टर भी है, क्योंकि जैसे ही हम इसको हीट प्रोवाइड करते हैं, अपने माउथ में लगाते हैं, तो क्या होता है, टेम्परेचर राइज करता है, तो ये एक्सपेंड कर जाती है. इट मींस ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी है. इसका जो स्पेसिफिक हीट है वो भी स्मॉल है. इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है. इवन हमारे पास जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है, दैट इज 357 डिग्रीज. कि इस टेम्परेचर के बाद ये अपनी कोई स्टेट चेंज करेगी, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी या किसी और फॉर्म में चली जाएगी, लेकिन जीरो से लेके 357 डिग्री तक
ये बिल्कुल भी मेल्ट नहीं करेगी, अपनी शेप चेंज नहीं करेगी, बल्कि अपने ही फॉर्म में रहेगी, जो मरकरी की सही फॉर्म होती है। एंड ये जो फ्रीज करती है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है -39 डिग्री। मतलब अगर हम लोग 0 से -39 तक चले जाएं तब भी ये फ्रीज नहीं करेगी, लेकिन -39 के बाद ये फ्रीज करेगी। सो इसमें तमाम वो प्रॉपर्टीज हैं जो एक अच्छे गुड जो है थर्मोमेट्रिक लिक्विड के अंदर होनी चाहिए। इवन ये बिल्कुल भी वेट ग्लास सरफेस की तरह नहीं होती, ये जो है एक डेंसर फॉर्म में होती है। जहाँ पे इसको प्लेस किया जाता है ये बिल्कुल चिपक के वहीं बैठ जाती है, ऐसा नहीं होता कि कुछ ड्रॉपलेट इसके दूसरी तरफ हो और कुछ और जगह पे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये कोई वेट ग्लास सरफेस शो नहीं करती। सो इट इज द बेस्ट फॉर थर्मोमेट्रिक लिक्विड, ठीक है। तो हम इसको यूज करते हैं, एंड जो हम लोग थर्मोमीटर को मोस्टली यूज करते हैं घरों में, क्लिनिक्स में या इंडस्ट्रीज में भी यूज करते हैं, उसमें यही तमाम चीजें होती हैं कि वो ग्लास ट्यूब के बने होते हैं, उनके अंदर बल्ब होते हैं, उनके अंदर कैपिलरी ट्यूब्स होती हैं जिसके अंदर मरकरी फिल किया गया होता है, एंड इसके अंदर सारी थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं। और जो हम घरों में या आमतौर पे जो यूज करते हैं वो तो हमारा होता है केल्विन में, ठीक है। फॉरेनहाइट में भी उसमें मेंशन किया गया होता है, सॉरी सेल्सियस में होते हैं हमारे घरों में, यानी सेंटीग्रेड्स में और फॉरेनहाइट में, ठीक है। तो वो 0 से 100 तक 0 से 106 तक शो करते हैं। लेकिन जो इंडस्ट्रीज वगैरह में थर्मोमीटर बनाए जाते हैं उनकी रेंज क्या होती है, -10 डिग्री से लेके 150 डिग्री तक। इट मींस अगर यहाँ पे हमारे पास जीरो है तो 0 से 1 -10 डिग्री तक भी वो थर्मोमीटर टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं कि इतना टेम्परेचर हमारे पास फॉल कर गया। फॉल करने का क्या मतलब है कि इतना कूलिंग इफेक्ट हो चुका है प्रोड्यूस कि किसी भी चीज का टेम्परेचर माइनस में चला गया, -10 तक, जो हम लोग इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं या क्लिनिक्स वगैरह में यूज करते हैं। और ये कहां से कहां तक यूज जो है 150 डिग्री तक भी ये मेजर कर सकते हैं कि अगर जीरो से कोई चीज बॉयल मतलब जीरो से आगे जो है हीट हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो जितना हीट एब्जॉर्ब करती जा रही है तो टेम्परेचर राइज होता जा रहा है। सो वो टेम्परेचर अगर 150 तक भी पहुंच जाएगा तो उसको भी मेजर कर सकते हैं। सो ये था हमारा थर्मोमेट्रिक टेम्परेचर, थर्मोमीटर जिसमें हम लोगों ने लिक्विड को यूज किया था इन अ ग्लास। थर्मोमीटर में जिस तरह हमने बाकी चीजें देखी हैं कि कैपिलरी ट्यूब होती है, बल्ब वगैरह होते हैं, उसी तरह हमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं जिनके अकॉर्डिंगली हमें पता चल सके कि बॉडी में वाकई टेम्परेचर हाई हो रहा है या नहीं हो रहा। इस तरह से अभी हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं थर्मोमीटर को ही। ये हम लोगों ने एक थर्मोमीटर बना लिया, ठीक है। उसके अंदर ये जो कैपिलरी ट्यूब थी एंड ये बल्ब था। अब अगर हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं तो हम किस चीज के अकॉर्डिंगली कह रहे हैं? हमेशा हम कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट जरूर लेते हैं जिसके अकॉर्डिंगली हम कहते हैं कि वाकई इस चीज का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है इसके अकॉर्डिंग, या डिक्रीज कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग। तो वो पॉइंट्स जिनके अकॉर्डिंग हम लोग अब देखेंगे कि ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज, वो है लोअर एंड अपर पॉइंट्स। लोअर एंड अपर पॉइंट्स का ये मतलब नहीं है कि एक ऊपर की तरफ पॉइंट है एंड एक नीचे की तरफ, बल्कि इसका मतलब है कि एक कम चीज को शो कर रहा है एंड एक हायर चीज को शो कर रहा है। अब अगर हमारे पास ये देखें लोअर पॉइंट है, लोअर पॉइंट एंड सेकंड वन इज अपर पॉइंट। तो लोअर पॉइंट किस चीज को शो कर रहा है? लेट सपोज अगर हमारे पास लोअर पॉइंट शो किया हुआ है 0 डिग्री पे, इसका मतलब है कि जब कोई भी अगर हम लोग कोई बहुत ही कोल्ड इन्वायरमेंट में टेम्परेचर को थर्मोमीटर को रख रहे हैं तो मरकरी का लेवल अगर 0 से पीछे चला जाएगा, इट मीन 0 के अकॉर्डिंगली अब ये क्या हो रहा है, बहुत कम होता जा रहा है, टेम्परेचर फॉल करता जा रहा है। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पे हमारे पास लोअर पॉइंट था जिससे हमें पता चला कि अगर वाकई मरकरी इस लेवल से पीछे जा रही है इट मीन्स के उस बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। इसी तरह अगर हमारे पास अपर पॉइंट पे लेट सपोज हमारे जो थर्मोमीटर होते हैं उसमें 99 एंड 98 के दरमियान या 97 के दरमियान एक रेड लाइन शो की होती है, अब उसी रेड लाइन से पता चलता है कि आपके बॉडी में टेम्परेचर है, फीवर हो रहा है या नहीं। अगर उस लाइन से पीछे ही मरकरी का लेवल रहेगा इट मींस टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर राइज नहीं किया। लेकिन जैसे ही उस पॉइंट को क्रॉस कर जाएगा इट मींस अब टेम्परेचर राइज कर गया।
एक हमें रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है एंड वो मेंशन किया होता है, मार्क किया होता है थर्मोमीटर के ऊपर, एक अपर साइड पे एंड एक लोअर साइड पे. मतलब एक हमें जो है वार्म बॉडीज के बारे में बता रहा होता है कि अब यहाँ से आगे जो बॉडीज जा रही हैं उनका टेम्परेचर हाई हो रहा है, और इसी तरह से एक जो लोअर पॉइंट होता है वो शो कर रहा होता है कि इससे पीछे जितनी भी बॉडीज का टेम्परेचर जा रहा है वो सारी टेम्परेचर में फॉल कर रही है, उनका टेम्परेचर डाउन होता जा रहा है. इसलिए लोअर पॉइंट किसके लिए है? कोल्ड बॉडीज के लिए, ठीक है, जिनका टेम्परेचर फॉल करता जा रहा है, जीरो से जितना नीचे जाएगा या जो भी जहां पे भी मेंशन किया गया है पॉइंट, लोअर पॉइंट, उसके बाद जितना भी बैकवर्ड जाएगा वो सारे के सारे टेम्परेचर फॉल कर देंगे. इसी तरह से अगर हमारा अपर पॉइंट है तो वहां पे क्या होगा कि वार्म बॉडीज के लिए उस पॉइंट को मेंशन किया गया होता है कि इससे आगे जितनी भी बॉडीज का टेम्परेचर जाएगा वो सारी क्या शो करेंगी? हाई टेम्परेचर शो करेंगी. सो ये था हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि अपर एंड लोअर पॉइंट क्या है. अब अगर हमने टेम्परेचर को मेजर करना होता है तो हमारे पास डिफरेंट स्केल्स हैं, ठीक है, उन स्केल्स की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि इस टाइम बॉडी का टेम्परेचर हम कहते हैं कि 99 डिग्री है या 103 फॉरेनहाइट है या 273 है, ठीक है. तो ये सारी चीजें हमें क्या शो कर रही है? इनके साथ एक यूनिट आ रहा है, एक बेसिक स्केल आ रहा है जिसके अकॉर्डिंगली हमें पता चल रहा है कि अब हम टेम्परेचर को किस चीज में मेजर कर रहे हैं. तो हमारे पास अब है स्केल्स जिनकी मदद से हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं. अब हमारे पास बेसिक जो स्केल है वो 3 है. 1 इज सेल्सियस जिसको हम सेंटीग्रेड भी कहते हैं, सेंटीग्रेड, ठीक है. एक है सेल्सियस, सेकंड है फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट स्केल, ठीक है, एंड थर्ड वन इज केल्विन स्केल. सो इन स्केल्स में अपनी अपनी प्रॉपर्टीज हैं कि ये किस तरह से टेम्परेचर को शो कर सकते हैं इन अ थर्मोमीटर. तो अब इन्हीं के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं कि ये हमें बताते क्या हैं. ये भी स्केल है, ठीक है. अब अगर हम सेल्सियस या सेंटीग्रेड में देखें तो थर्मोमीटर के ऊपर अगर 100 डिवीजंस गिवन है, ठीक है, 100 डिवीजन फ्रॉम 1 to 100, तो इट मींस कि वो हमारे पास अगर 0 से 100 के दरमियान है तो वो हमारे पास कौन सा स्केल शो करेगी? सेल्सियस स्केल. अगर मेंशन नहीं भी है तब भी अगर आप देखेंगे कि 0 से 100 के दरमियान डिवीजंस दी गई हैं, वो जो स्केलिंग हमें नजर आ रही होती है उसी के अकॉर्डिंगली पता चलता है कि इस टाइम पे इतना टेम्परेचर है. अदरवाइज तो हम ये कह सकते थे कि हाँ इस पॉइंट से लोअर पॉइंट से या अपर पॉइंट से आगे चला गया तो ऑब्वियसली टेम्परेचर है, पर कितना है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें स्केल्स चाहिए थे, ठीक है. एंड स्केल्स क्या है? बेसिकली वो डिवीजंस जो थर्मोमीटर के ऊपर इस तरह से मेंशन की गई होती हैं, या अगर हम सिंपल स्केल्स भी देख लें तो उनके ऊपर जो स्केलिंग मेंशन की गई होती है कि ये 1 सेंटीमीटर की इतनी चीज बन रही है, 1 इंच की बन रही है, तो वो बेसिकली क्या है? स्केल्स है. इसी तरह से जो थर्मोमीटर के स्केल्स हैं वो 3 टाइप के हैं जो टेम्परेचर को मेजर करके बता सकते हैं. फर्स्ट वन इज द सेल्सियस. और सेल्सियस में क्या होता है हमारे पास कि 0 से 100 डिवीजंस के दरमियान स्केलिंग हुई होती है. तो अब हम इसको ड्रॉ करके देख लेते हैं कि किस तरह से होता है. ये अगर थर्मोमीटर है हमारे पास तो इसके ये स्टार्ट होगा 0 से 1, 2, 3 इस तरह से अप टू 100 डिवीजंस, ठीक है. सो अगर हमारे पास यहां से लेके यहां तक जो है ये क्या है, यहाँ पे मरकरी फिल हुई हुई है और 100 भी बिल्कुल यहाँ पे नहीं होता बल्कि इस तरह से होता है. सो 100 डिवीजन वाला जो भी होगा फ्रॉम 0 to 100 वो कौन सा स्केल होगा? वो एक सेल्सियस स्केल होगा. इसके अंदर 100 इक्वल लाइंस जो हैं वो गिवन होंगी, सो जो कि 0, 1, 2, 3 अप टू 100 तक शो करेंगी. इससे क्या होता है कि हम लोग अगर कोई भी जो है सेंटीग्रेड का मेजर करना चाह रहे हैं, सेंटीग्रेड पे हमारे पास कितना टेम्परेचर आ रहा है, तो वो हम इजीली मेजर कर सकते हैं कि इस टाइम पे हमारा इतना टेम्परेचर है. क्योंकि अगर आप देखें कि टेम्परेचर का बेसिक जो बेस यूनिट है दैट इज द केल्विन, ठीक है. टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में मेजर करते हैं, लेकिन अगर हमें केल्विन के अलावा भी मेजर करना हो, जिस तरह मीटर जो था लेंथ का वो एक बेस यूनिट था, लेकिन हम उसको सेंटीमीटर्स में भी कर सकते हैं, उसको मिलीमीटर्स में भी कर सकते हैं, उसकी चेंजिंग होती है.
तो इसी तरह से अब हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें ये देखना होगा कि ये बेसिकली स्केल्स हैं क्या. सो इसी तरह से जो हम लोगों ने देख लिया कि 0 से 100 के दरमियान डिवीजंस होंगे तो वो सेल्सियस स्केल को शो करेगा. इसी तरह फॉरेनहाइट में क्या होते हैं, 180 इक्वल डिवीजंस होती हैं, 180 डिवीजंस. इसमें 100 डिवीजंस है, इसमें 180 डिवीजंस है. लेकिन ये 180 डिवीजन किस तरह से स्टार्ट होती हैं, लाइक अगर ये हमारे एक थर्मोमीटर है, सो इसका लोअर पॉइंट क्या है, ये लोअर पॉइंट है जीरो, ठीक है, लोअर पॉइंट. एंड 100 लेट सपोज अपर पॉइंट है, अपर पॉइंट. इसका लोअर पॉइंट क्या होगा, 32. फॉरेनहाइट का जो भी हमारे पास थर्मोमीटर होगा वो जीरो से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि वो 32 से स्टार्ट होगा. एंड वो इक्वली 180 पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है, इट मींस कि यहाँ पे हमारे पास ये शो करेगा 212 फॉरेनहाइट, ठीक है. सो अगर फॉरेनहाइट में हमने टेम्परेचर मेजर करना है तो फॉरेनहाइट में कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगा बल्कि 32 से स्टार्ट होगा. इसमें 180 इक्वल डिवीजंस होती हैं, मतलब 32 के बाद 212 में आप देखें तो 180 में ये डिवाइड हुआ हुआ है, लाइक 32 33 34 एंड अप टू 211 212 फॉरेनहाइट, ठीक है. सो यहाँ पे सारी स्केलिंग हुई होती है, लेकिन सारे पॉइंट्स क्या है, लोअर पॉइंट कितना है 32 फॉरेनहाइट एंड अपर पॉइंट कितना है 212 फॉरेनहाइट, और फॉरेनहाइट में 180 डिवीजंस होती हैं. अब हम आ जाते हैं केल्विन स्केल पे. केल्विन स्केल में भी 100 डिवीजंस होती हैं, लेकिन वो जीरो से स्टार्ट नहीं होती. ये हम केल्विन के लिए देख लेते हैं, इसमें भी अगेन 100 डिवीजंस है, ठीक है, 100 डिवीजंस. इसमें क्या है, 273 से स्टार्ट होके 373 तक ये हमारे पास होती हैं, 273 से 373 तक, यस. सो ये है हमारे पास केल्विन स्केल. ये डिग्रीज में था, ये फॉरेनहाइट में था, एंड ये हमारे पास केल्विन स्केल में है. अब देखें कि अगर हम सेल्सियस और केल्विन को देखें तो सेल्सियस में क्या है, 100 डिवीजंस है. 100 डिवीजन कहाँ से स्टार्ट होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, 100 पे एंड होती है. लेकिन जो हमारे पास सेल्सियस में है, अगेन 100 डिवीजंस ही थी, लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुई, 273 केल्विन से स्टार्ट हुई एंड 373 केल्विन पे एंड हुई. इसका मतलब है डिवीजन तो दोनों की सेम है, लेकिन क्या है कि ये जीरो जो है ये इसके 273 के इक्वल है. इट मींस अगर हमने जीरो डिग्री को कभी चेंज करना हो केल्विन में तो जीरो डिग्री इज इक्वल टू 273 केल्विन. ये है हमारे पास इसको बेसिकली डिफ्रेंशिएट करने का मेथड कि हमने जो तीनों को देखा है वो हमें बता क्या रहे हैं, यही बता रहे हैं कि अगर हमारे पास जीरो यहाँ पे शो कर रहा है पहली रीडिंग फॉर सेंटीग्रेड, ठीक है, और ये 100 इक्वल पार्ट में इक्वली डिवाइड किए गए हैं, लेकिन वही चीज केल्विन में भी 100 डिवीजंस थी पर लोअर पॉइंट क्या था, 273 केल्विन. 273 केल्विन से पीछे जितनी भी बॉडीज हैं वो सारी कम टेम्परेचर शो कर रही हैं, कोल्ड बॉडीज को शो कर रही हैं. आगे 373 केल्विन के बाद जो है वो सारी वार्म बॉडीज को शो कर रही है. सो ये था हमारा बेसिकली डिफरेंशिएट करने का मकसद कि एक जो डिवीजन है वो किस चीज के इक्वल आ रही है, एंड हमें पता चला कि अगर हम एक जीरो सेंटीग्रेड ले रहे हैं तो वो 273 केल्विन के इक्वल होगा. अब हमारे पास इसी तरह से इन स्केल्स को लाइक सेल्सियस से फॉरेनहाइट में अगर हमने करना हो या सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना हो तो इसको चेंजिंग करने के लिए भी हमारे पास एक इक्वेशंस मौजूद हैं, ठीक है, जिन इक्वेशन के बेस पे ही हम बता सकते हैं कि वाकई जीरो सेंटीग्रेड ग्रेड जो है वो 273 केल्विन के इक्वल होगा. अब हम उन इक्वेशंस को देख लेते हैं वो इक्वेशंस किस तरह से बन रही हैं. पहले तो हम यहाँ पे सेल्सियस वाला भी अगेन ड्रॉ कर लेते हैं, 212. इसको देख के आसान हो जाएगा कि हमने किस तरह से वो इक्वेशंस को डिराइव करना है. सो सबसे पहली इक्वेशन जो है दैट इज फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन, फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन. सेल्सियस में क्या है, जीरो, ठीक है.
अगर हमने टेम्परेचर सेल्सियस से केल्विन में लेके जाना है, मतलब हम टेम्परेचर को केल्विन में लेके जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेल्सियस क्या है? जीरो से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से हम लोगों ने किस में लेके जाना है? केल्विन में लेके जाने। इसका क्या मतलब है कि जितना भी टेम्परेचर हमारे पास सेंटीग्रेड में आ रहा होगा उसमें 273 ऐड करना पड़ेगा। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी? 273 प्लस सेल्सियस, ठीक है। सो क्या हमें श्योर है? जिस तरह सेल्सियस हमने देखा कि जीरो डिग्री पे अगर हम देखना चाह रहे हैं कि कितने सेल्सियस कितने केल्विन उसमें मौजूद होंगे, क्योंकि 100 डिवीजन है दोनों में, तो इसका जीरो एक रीडिंग शो कर रहा है और इसकी पहली रीडिंग 273 है, ठीक है। तो पहली रीडिंग को अगर हम देखें तो हमें साफ पता चले कि जीरो डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू 273। अब इस 273 को यहाँ पे देख लें कि हमने केल्विन से सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 273 में उस को ऐड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अगर हम लोग सिंपली एक जीरो के लिए ही देख लें तो अगेन क्या आएगा? 273 केल्विन, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि वाकई जो जीरो डिग्री सेंटीग्रेड है दैट इज इक्वल्स टू 273 केल्विन। या हम कोई भी और वैल्यू लेना चाहते हैं तो वो इजीली इससे डिराइव की जा सकती है बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेल्सियस के टेम्परेचर। सेल्सियस में इतना है, उसमें 273 ऐड करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन आ जाएगा। अब हम कर रहे हैं फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस। अब हमने केल्विन से सेल्सियस में जाना है। इसी इक्वेशन को देखें एंड इसको रीअरेंज कर लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सिंपली आ जाएगा कि हम किस तरह सेल्सियस में जा सकते हैं केल्विन से, ठीक है। सो सेल्सियस को यहीं पे रहने दें एंड इसको देखें तो क्या बनेगा? टेम्परेचर इन केल्विन, ठीक है। या इसको के ही सिंपल लिख लें कि जो भी केल्विन में वैल्यू आ रही है अगर उसमें से हम 273 माइनस कर दें तो हमारे पास टेम्परेचर कितना आ जाएगा? टेम्परेचर सेल्सियस में आ जाएगा। क्या मतलब है कि जीरो डिग्री तो यहाँ पे हमारे पास शो करी थी। अगर हम लोग देखें करना चाहते हैं सेंटीग्रेड में तो हमारे पास कभी भी ये नहीं होगा कि 273 वैल्यू आ जाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो स्केल ही 100 तक है। जो चीज है ही जीरो से 100 तक उसमें 273 की वैल्यू आ ही नहीं सकती। तो जब भी हमने केल्विन से चेंज करना है और केल्विन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 273 से। इट मीन्स 273 को सिंपली हम सेल्सियस में नहीं देख सकते क्योंकि वो स्केल जो है वो 100 पे एंड हो जाता है, जबकि हमारे पास जो केल्विन का स्केल है वो स्टार्ट ही 273 से होता है। इट मीन्स 273 उस वैल्यू में से माइनस कर देंगे तो हम सेल्सियस में इजीली उस वैल्यू को काउंट कर सकते हैं कि इस टाइम टेम्परेचर सेल्सियस में कितना है। सो इसी तरह से अब और भी हमारे पास स्केल्स जो थे उनको भी चेंज किया जा सकता है एंड इट इज फ्रॉम सेल्सियस टू फॉरेनहाइट। सेल्सियस से अब हम फॉरेनहाइट में जा रहे हैं, ठीक है। फॉरेनहाइट में जाने में क्या होगा कि यहाँ पे देखें, अब ये है हमारे पास सेल्सियस का एंड ये है फॉरेनहाइट का। इसको अभी खत्म कर देते हैं, ठीक है। ये सेल्सियस का है एंड ये फॉरेनहाइट का सी। अब सेल्सियस में क्या है? पहली चीज किसके इक्वल है? पहली बात तो इसके अंदर 100 डिवीजन्स है, ठीक है, एंड फॉरेनहाइट की है 180 डिवीजन्स, ठीक है। इसका मतलब है कि जीरो से अगर हमने सेल्सियस में देखें तो जीरो से वन एक ही डिवीजन आई, ठीक है। अब वन से टू फिर एक आई, टू से थ्री एक एक डिवीजन आ रही है, लेकिन 32 से 212 तक जाने में हर एक डिवीजन जो है वो डिफरेंट नंबर शो कर रही है क्योंकि 180 डिवीजन्स हम लोगों ने ली हुई है। सबसे पहले तो इन दोनों डिवीजन्स को हम देखेंगे कि किस तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं कि हमारे पास इक्वेशन बने। अब 180 को हम 100 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। सो हमारे पास आ जाएगा 1.8। अब ये 1.8 क्या शो कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जो फॉरेनहाइट में है वो तो 180 डिवीजन्स है। इसका क्या मतलब है? अगर टेम्परेचर हम लोग मेजर कर रहे हैं, लेट सपोज यहाँ हमारे पास 180 पे 100 डिवीजन्स हो गई, लेट सपोज, ठीक है, 182 पे 100 डिवीजन्स हो गई, लेकिन अभी हो तो नहीं रही।
हम सपोज ही करें कि 100 डिवीजन खत्म हो गई, इसका मतलब है कि यहाँ पे 100 डिवीजन तक ही हम काउंट कर सकते थे और यहाँ पे 100 डिवीजन खत्म हो गए, इससे आगे हम काउंट ही नहीं कर सकते अगर हम फॉरेनहाइट से सेल्सियस में जाना चाहें या सेल्सियस से फॉरेनहाइट में आना चाहें, क्योंकि हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 100 डिवीजन की गुंजाइश थी और जबकि दूसरी में 180 है। इसका मतलब है इसकी हर एक डिवीजन इस फॉरेनहाइट के स्केल के अकॉर्डिंगली 1 से ज्यादा की है, तो 1 से कितनी ज्यादा है, वो 1.8 टाइम ज्यादा है। 1.8 टाइम सी जब हम लिखेंगे तभी हमारे पास ये डिवीजंस भी 180 डिवीजंस के इक्वल बन सकती हैं, अदरवाइज दोनों स्केल जब इक्वल डिवीजन के ही नहीं है तो हमारे पास कभी भी आंसर सही नहीं आएगा। सो अगर हम सेल्सियस से फॉरेनहाइट में जाना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है कि फॉरेनहाइट के लिए एफ शो किया 1.8 सेल्सियस, ठीक है, सेल्सियस की हर एक डिवीजन को हम कितना ले रहे हैं 1.8 से मल्टीप्लाई करें ताकि इन दोनों की डिवीजंस इक्वल हो सके। 1.8 से मल्टीप्लाई किया, अब फॉरेनहाइट का जो लोअर पॉइंट है वो कितना है 32। सो ये इक्वेशन बन जाएगी अगर हमने सेल्सियस से फॉरेनहाइट में जाना है, कि पहले तो हम सेल्सियस को मल्टीप्लाई करेंगे 1.8 से ताकि डिवीजंस जो है वो पूरी हो सके, फिर उसमें 32 ऐड करेंगे क्योंकि हमने लोअर पॉइंट्स को ऐड करने, हमने केल्विन के केस में भी लोअर पॉइंट ऐड किया था एंड फॉरेनहाइट के केस में भी हम सबसे लोअर पॉइंट को ही ऐड करेंगे। तो ये था हमारा कि अगर हम फ्रॉम सेल्सियस टू फॉरेनहाइट में जाना चाहते हैं, अब अगर हमने फॉरेनहाइट से सेल्सियस में आना है तो क्या करेंगे, फॉरेनहाइट से सेल्सियस में अब हम जा रहे हैं सेल्सियस। सो सिंपली जो चीज हमने फाइंड आउट करनी है वो रह जाएगी, बाकी को हम क्या करेंगे रीअरेंज कर लेंगे, मतलब फॉरेनहाइट में से पहले तो हम 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.8 सी, और यहां से अब हमें सी को भी सेपरेट आउट करना है, हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे कि जो चीज उसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है उसको भी लाकर डिवाइड कर देंगे तभी हमारे पास सेल्सियस में एक परफेक्ट आंसर आ सकेगा। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द थर्मोमीटर, जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले तो पढ़ा कि थर्मोमीटर है क्या, बेसिकली थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो टेम्परेचर को मेजर कर सकता है। देन हम लोगों ने थर्मोमेट्रिक लिक्विड के बारे में पढ़ा कि जो हम लोग थर्मोमीटर में लिक्विड यूज कर रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। देन हम लोगों ने स्टडी किया कि हम जो आमतौर पे लेबोरेटरीज में घरों में जो भी थर्मोमीटर यूज करते हैं वो उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह होती है, डिजाइनिंग क्या है, उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया गया है। देन हमने पढ़े कि जो लोअर पॉइंट्स हैं अपर पॉइंट्स हैं वो बेसिकली क्या शो करते हैं, और फिर हमारे पास एंड पे स्केलिंग आ गई कि हमारे पास 3 स्केल्स हैं, अगर हम लोग बेस यूनिट के अकॉर्डिंगली ना भी देखें हमारे पास डिफरेंट स्केल का भी हमें पता होना चाहिए, तो वो थे सेल्सियस यानी सेंटीग्रेड एंड फॉरेनहाइट भी हमारे पास टेम्परेचर के ही स्केल हैं अदर देन केल्विन, लेकिन हम लोग किस तरह से उनकी चेंजिंग कर सकते हैं, हमने उनके डिवीजंस को देखा कि फॉरेनहाइट में थर्मोमीटर पे इतनी डिवीजंस होती हैं, केल्विन में इतनी डिवीजंस होती हैं, एंड जो हमारे पास सेल्सियस है या जो दूसरा रिमेनिंग है उसमें इतनी डिवीजंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी जो है इक्वेशन को डिजाइन किया। और बेसिकली आपको एक इक्वेशन आती हो आप उससे इजिली दूसरी इक्वेशन बना सकते हैं, एंड अगर आप रिलेट करेंगे इन थर्मोमीटर की जो रीडिंग्स हैं उसके अकॉर्डिंगली बहुत ईजी होता है इस चीज को याद रखना, क्योंकि समटाइम ऐसा होता है याद ही नहीं आ रहा होता कि हमने केल्विन से सेल्सियस में जाना था तो क्या करें, तो आप इनको याद रखें कि उनके डिवीजंस कहां से कहां तक जा रही हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट याद रखें, उनको जब आप रिलेट करके याद रखेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा कि जीरो से जो है मैंने केल्विन तो मिटा दिया, जीरो अगर उसका सेल्सियस का है और उसमें भी 100 डिवीजंस हैं और केल्विन में भी 100 डिवीजन है, इसका मतलब है जीरो इज एग्जैक्टली सेम टू 273, सो जीरो डिग्री किसके इक्वल हो गया 273 डिग्री के। इसी तरह अगर हमने इसमें देखा सेल्सियस और फॉरेनहाइट में तो हमें पहले डिवीजंस को देखना पड़ा, क्योंकि फॉरेनहाइट में 180 डिवीजंस थी जबकि हमारे पास जो सेल्सियस है उसमें 100 डिवीजंस थी, उसके लिए हमने 1.8 की हर एक एक डिवीजन को रखा, देख लिया कि 180 को जब डिवाइड करते हैं 100 पे तो 1.8 आ रहा है, उसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी इक्वेशन को डिजाइन कर लिया, एंड उसी को रीअरेंज जब हम करते हैं तो एक से दूसरी वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये था हमारा टॉपिक अबाउट द थर्मोमीटर।